हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू माय चैनल देसीफाइड उम्मीद। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ अपनी कुछ पर्सनल लाइफ की अपडेट्स शेयर करने वाली हूं, जो कि बहुत एक्साइटिंग है, जिनके बारे में मैं बहुत ज्यादा खुश हूं, एक्साइटेड हूं। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी जरूर शेयर करना चाहिए अपना एक्सपीरियंस, और आप लोगों को भी दिखाना चाहिए कि किस तरीके से जो है चीजें वो हो रही हैं। तो कुछ वीक्स पहले मैंने एक वीडियो अपडेट की थी, अपलोड की थी, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं घर ढूंढ रही हूं और क्या क्या डिफिकल्टीज आपको आती हैं घर ढूंढने में। तो उसके बाद कुछ फर्दर मैं उसके ऊपर अपडेट नहीं दे पाई, लेकिन अब यह है कि मुझे घर मिल गया है फाइनली, शुक्र है अल्लाह पाक का। इट्स अ वेरी नाइस प्लेस और बड़ा घर है, टेक्निकली टू बेडरूम्स आप कह सकते हैं, वैसे उसके अंदर थ्री रूम्स हैं, बट वन इज नॉट ए कम्प्लीट बेडरूम, तो उसको आप बॉक्स, यहाँ पे बॉक्स रूम कहते हैं, जिसको आप ऑफिस में भी कन्वर्ट कर सकते हो, स्टोर रूम में भी कन्वर्ट कर सकते हो, या बच्चों का प्ले एरिया बना सकते हो, मल्टीपर्पज काइंड ऑफ एक छोटा रूम होता है। तो बड़ा घर है अल्हम्दुलिल्लाह। आई हैव बीन शिफ्टिंग, तो उस वजह से मैं वीडियोज अपलोड नहीं कर सकी, मैं बहुत बिजी थी, शिफ्टिंग सारी मेरी चल रही थी पिछले वीकेंड, तो इस वजह से वीडियोस जो हैं वो नहीं आ पाई हैं। और अब जो है ये है अपडेट कि मैं आप लोगों को अपना नया जो घर है उसका विजिट, एक टूर, होम टूर टाइप चीज जो होती है वो देने की कोशिश करूंगी, आपको रेंट बताऊंगी और डॉक्यूमेंट्स हमने क्या क्या साथ लगाए और किस तरीके से हमें घर मिला और उसकी क्या मतलब मेंटेनेंस वगैरह का क्या सिस्टम है और अभी तक हमें क्या क्या इश्यूज आए हैं, वो सारे पे एक डिटेल्ड वीडियो मैं इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जरूर बनाऊंगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, हाउसिंग से रिलेटेड, अकोमोडेशन से रिलेटेड। स्टूडेंट्स आने वाले हैं सितंबर इनटेक में, तो उनके लिए भी वो वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल होगी, आप लोगों को पता चलेगा कि हाउसिंग वगैरह किस तरीके से लेनी है। और उसके साथ साथ जो अगली न्यूज मुझे शेयर करनी है, जो कि बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग है, वो ये कि मेरे जो फादर हैं उनका विजिट वीजा मैंने अप्लाई किया था, जो कि अप्रूव हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, एंड ही इज गोइंग टू विजिट मी सून, और वो जो है यहाँ आएंगे यूके में और हमारे साथ टाइम स्पेंड करेंगे। तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस चीज के लिए, मैंने बहुत वेट किया और जो है अब फाइनली उनका वीजा लग गया है, तो वो आ रहे हैं। तो उसका भी जो पूरा प्रोसेस है, अगर कोई भी इंटरेस्टेड है कि विजिट वीजा कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, क्योंकि अपने ओन पे मैंने किया है और पहली बार मैंने वीजा जो है वो खुद से अप्लाई किया है, बिकॉज पहले मेरे भी जो वीजा की प्रोसेसिंग थी वो मैंने कंसल्टेंट से कराई थी अपने दोनों स्टडी वीजाज के लिए। तो ये पहला वीजा है कम्प्लीटली जो कि मैंने अपने ओन पर, मैंने और मेरे हस्बैंड ने हमने अप्लाई किया, सारे डॉक्यूमेंट सब कुछ हमने खुद ही अरेंज किया, और जो है थोड़ा हमने देखा कि किस तरीके से करना है, और अल्हम्दुलिल्लाह पहली बार में उनका वीजा अप्रूव हो गया है। इससे पहले उनका कभी कोई यूके का वीजा ना तो लगा है ना रिजेक्ट हुआ है, बट फर्स्ट टाइम वो अप्लाई कर रहे थे, तो एक थोड़ा सा आपको होता है, बिकॉज रिजेक्शन रेट यूके का विजिट वीजाज के लिए काफी हाई है, और स्पेशली अगर आपको पता है कि बड़े बुजुर्ग अफराद हों तो उनका वीजा जो है वो काफी ज्यादा फ्रिक्वेंटली जो है वो रिजेक्ट हो जाता है। तो थोड़ा सा था कि लगेगा नहीं लगेगा क्या होगा, बट अल्हम्दुलिल्लाह पहली बार में ही वीजा लग गया, अप्रूव हो गया 6 मंथ्स के लिए, तो कोई भी डिफिकल्टी नहीं आई। तो मैं आपके साथ स्टेप बाय स्टेप सब चीजें शेयर करूंगी, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं कि विजिट वीजा कैसे अप्लाई करना है, कितने पैसे लगे हैं, सारा जो है प्रोसेस क्या है, अगर आप स्पॉन्सर करना चाहते हो अपने पेरेंट्स को तो उसका क्या प्रोसीजर है, अगर वो खुद अपने आप को जो है स्पॉन्सर करना चाहते हैं तो उसका क्या प्रोसीजर है, तो सारा का सारा जो एक डिटेल्ड वीडियो है इसके बारे में वो मैं आपको शेयर करूंगी। लेकिन आजकल जो है वो मैं बहुत ज्यादा बिजी हूं, क्योंकि मैं अपना घर भी सेट कर रही हूं और साथ साथ मैं अपने अब्बू के आने की तैयारी भी कर रही हूं, बिकॉज वो बहुत जल्द आने वाले हैं, और आपको मैं शेयर करूंगी आपके साथ जब वो यहाँ आ जाएंगे और उसके बाद उनका जो है वो ट्रिप कैसा रहता है, तो वक्फे वक्फे से आपके साथ हम चीजें शेयर भी करते रहेंगे। लेकिन आजकल जो है वो एक एक्साइटमेंट है, अपना ऑफिस का भी काम है, साथ साथ चीजें भी चल रही हैं, लेकिन मेन फोकस जो है वो आजकल यही है कि तैयारी की जाए और सारा जो है वो किस तरीके से उनका प्लान करना है, कहाँ कहाँ घुमाना है, कहाँ कहाँ लेके जाना है, तो ये सारा आजकल जो है वो हमारे घर में डिस्कशन होता है कि अब्बू आएंगे तो उनका किस तरीके से हमने उनका ट्रिप जो है वो प्लान करना है। तो जब आप दूर रहते हो तो आपके लिए यही चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं, आपके पेरेंट्स से, आपका कोई भी अगर आपके फैमिली से आपको विजिट करता है तो वो एक बहुत आपके लिए बड़ी चीज होती है, बिकॉज यूजुअली ऐसा नहीं होता, हमारे पास नहीं इतने लोग आ पाते हैं और ना हम इतना फ्रीक्वेंटली जा पाते हैं, तो जो है एक अच्छी फीलिंग है। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं, अपने पेरेंट्स को बुलाना चाहते हैं, अपने घर से किसी और को बुलाना चाहते हैं ऑन अ विजिट वीजा,
तो आप गाइडेंस ले सकते हैं, और उम्मीद है कि आने वाली वीडियो जो मैं अपलोड करूंगी उससे आपको बहुत ज्यादा गाइडेंस मिलेगी। तो मुझे जरूर बताइएगा कमेंट करके, अगर आप लोग विजिट वीजा के सारे प्रोसीजर के ऊपर और कॉस्ट के ऊपर वीडियोज जो हैं वो देखना चाहते हैं, एंड इफ यू वांट टू अप्लाई विजिट वीजा एंड यू सीक एनी गाइडेंस ऑन दैट, तो आपके पास मेरा ईमेल एड्रेस मौजूद है, आप वहां पर मुझे रابطہ भी कर सकते हैं, एंड आई विल मेक श्योर कि मैं आप लोगों को गाइडेंस प्रोवाइड करूं, वीजा किस तरीके से अप्लाई करना है सारा कुछ अपने एक्सपीरियंस आपको बताऊं, बिकॉज काफी सारे लोगों ने मुझे ये कहा कि आपने किस तरीके से अप्लाई किया है, क्योंकि हमने भी अप्लाई किया था पर हमारा पहली बार में नहीं लगा, रिजेक्ट हो गया, तो आपने अप्लाई किया तो फर्स्ट टाइम में वीजा लग गया, तो क्या चीज डिफरेंट हुई। तो मैंने सोचा कि इसको जरूर शेयर करना चाहिए, बिकॉज आई नो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर वर्क वीजास पर हैं, जो अपनी पीछे से फैमिली को बुलाना चाहते हैं ऑन अ विजिट वीजा, स्पेशली पेरेंट्स को, तो आप उसको किस तरीके से कर सकते हैं, तो मैं जरूर जरूर शेयर करूंगी आप लोगों के साथ, और इतना टाइम नहीं लगाऊंगी, आई प्रॉमिस जल्दी वीडियो अपलोड करूंगी, तो अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, मेक गुड चॉइसेस, मेक वाइज डिसीजंस, एंड आई विल सी यू गाइस वेरी सून इन अनदर वीडियो, बाय बाय।